नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां पर हम आपको इतिहास के सबसे रोचक और रहस्यमयी पहलुओं से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे उन व्यक्तियों की जिन्होंने इतिहास में सबसे मनहूस व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कृत्यों से अनगिनत लोगों का जीवन दुखों से भर दिया। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस खास पेशकश को। सबसे पहले बात करते हैं जोसेफ स्टालिन की, जिसने अपने ही देश में आतंक का राज फैलाया। स्टालिन का शासनकाल 1924 से 1953 तक रहा और इस दौरान उसने लाखों लोगों की जान ली। स्टालिन ने अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए ग्रेट पर्ज अभियान चलाया, जिसमें लाखों लोगों को गिरफ्तार कर गुलाग भेजा गया या फिर मौत के घाट उतार दिया गया। उसके शासनकाल में करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हुए और देश में भय और आतंक का माहौल बना रहा। अब हम बात करेंगे पोल पोट की, जो कंबोडिया का तानाशाह था और अपने शासनकाल में उसने अपने देश को नरक बना दिया। पोल पोट का उद्देश्य था कंबोडिया को एक कृषि आधारित समाज में बदलना, जिसके लिए उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। 1975 से 1979 के बीच उसके शासनकाल में करीब 20 लाख लोग मारे गए, जो उस समय की कंबोडिया की कुल जनसंख्या का लगभग एक चौथाई था। नंबर 3, चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ जेडोंग भी इस सूची में शामिल हैं। जिन्होंने अपने ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चर रिवॉल्यूशन नीतियों से देश को तबाही की ओर धकेल दिया। माओ की नीतियों के कारण चीन में भारी अकाल पड़ा, जिससे लाखों लोग मारे गए। उसकी कल्चर रिवॉल्यूशन नीति ने देश के सांस्कृतिक और शैक्षिक ढांचे को ध्वस्त कर दिया, जिससे लाखों लोगों का जीवन संकट में आ गया। नंबर 4 पर है युगांडा के तानाशाह इदी अमीन, जिसने 1971 से 1979 तक अपने देश में आतंक मचाया। युगांडा इज नाउ ए फ्री कंट्री, थैंक यू वेरी मच, वी विल नाउ बी फ्री टू डिस्कस एवरीथिंग, थैंक यू वेरी मच। इदी अमीन के शासनकाल में करीब 3 से 5 लाख लोग मारे गए। उसने अपने विरोधियों को क्रूरता से दंडित किया और देश में मानवाधिकारों का हनन किया। उसकी नीतियों ने युगांडा की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। नंबर 5 पर है व्लाद द इंपेलर, जिसे ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है। वह 15वीं शताब्दी में वायाचिया का शासक था और अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था। व्लाद द इंपेलर ने हजारों लोगों को यातना देकर मारा। वह अपने दुश्मनों को नुकीली लकड़ियों पर चढ़ाकर मारने के लिए कुख्यात था। उसकी क्रूरता ने उसे इतिहास में सबसे निर्दयी शासकों में स्थान दिलाया। नंबर 6 पर है अटीला द हूण, जो 5वीं शताब्दी में हूण साम्राज्य का नेता था और यूरोप में आतंक का पर्याय बना हुआ था। अटीला ने अपने अभियान के दौरान यूरोप में कई शहरों को बर्बाद किया और लाखों लोगों को मारा। उसकी सेना ने पूरे यूरोप में तबाही मचाई और वह अपने समय का सबसे भयभीत नेता बन गया। नंबर 7, ली हार्वे ओसवाल्ड। अब बात करते हैं ली हार्वे ओसवाल्ड की, जिसने 1963 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या की थी। ली हार्वे ओसवाल्ड का नाम इतिहास में एक कुख्यात व्यक्ति के रूप में दर्ज है। उसकी इस हत्या ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया और आज भी इस घटना को लेकर कई सवाल उठते हैं। नंबर 8, टेड बंडी। अब हम बात करेंगे टेड बंडी की, जो 1970 के दशक में अमेरिका में सक्रिय एक कुख्यात सीरियल किलर था। टेड बंडी ने 30 से अधिक महिलाओं की हत्या की थी। उसकी हत्याएं और उसके व्यक्तित्व ने उसे इतिहास के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक बना दिया। बंडी की कहानी ने आज भी लोगों के दिलों में भय और आतंक पैदा कर रखा है।
दोस्तों ये थे इतिहास के सबसे मनहूस व्यक्ति, जिनके कृत्य आज भी लोगों के दिलों में भय और आतंक पैदा करते हैं। इनकी कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग किस हद तक विनाशकारी हो सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।